चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ ए नेटवर्क सिस्टम। हम जानते हैं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स नेटवर्क सिस्टम के तहत काम करते हैं, तो हम बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर का। सबसे पहले तो टर्म आर्किटेक्चर समझ ले, आर्किटेक्चर कहते हैं किसको है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है द स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो चीजें, किस तरीके से बनाया है और कैसे बनाया गया है, उसकी डिजाइन क्या है। सो आर्किटेक्चर मीन्स द स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो कीवर्ड है इसके, पहला स्टाइल ऑफ डिजाइन और दूसरा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में दो तरीके के नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं, एक का नाम है टू टीयर आर्किटेक्चर, दूसरे का नाम है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। पहले इस बात को समझने से पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, उसके लिए जरा हम फिर से फ्लिपकार्ट वाली साइट पे चलते हैं। ये जो फ्लिपकार्ट की इनिशियल स्क्रीन आपको दिखती है, चाहे आप डेस्कटॉप पे देखें, लैपटॉप पे देखें, टैबलेट पे देखें, मोबाइल फोन पे देखें, ये जो इनिशियल स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इस समय, ये स्क्रीन कहलाती है प्रेजेंटेशन लेयर, डिस्प्ले, इसको हम कई बार यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। तो पहली लेयर जो किसी को दिखती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, कैसे दिखाई देगी, यूजर उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसको यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। ये इसकी डिस्प्ले ऑप्शन भी होती है, लेकिन जब ही इसके ऊपर हम लोग कोई ऑर्डर परचेज के लिए प्रेस करते हैं, तो आपको पता होगा इन सबको कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, बिलिंग होती है, टैक्सेस लगते हैं, वो होती है उसकी दूसरी लेयर जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट होती है। तो जो दिखता है वो तो है प्रेजेंटेशन लेयर, जो बैकग्राउंड में इनको कैलकुलेट किया करता है, टैक्सेस लगाता है, रिबेट देता है, डिस्काउंट देता है, वो लॉजिक का पार्ट, जोड़ भाग की गुणा भाग, अर्थमेटिक ऑपरेशन का पार्ट क्या कहलाता है, एप्लीकेशन लेयर। और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर डेटाबेसिस के तौर पे रखा गया होगा, वो तीसरी लेयर जहां इन सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्टोरेज किया जाता है, ताकि आपको इमीडिएटली स्क्रीन पे उनके बारे में ऑप्शन डिस्प्ले किया जा सके, वो तीसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस लेयर। तो कुल मिला के इस आर्किटेक्चर में हमारे पास में कितनी लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स हुआ करती हैं हमारे पास में। पहली लेयर का नाम क्या है, पहली लेयर को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, दूसरी लेयर को हम कहते हैं जो एप्लीकेशन लॉजिक की होती है, बैकग्राउंड में काम करती है, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उसको हम नाम दिया करते हैं सेकंड लेयर, विच इज नोन एज एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद एक तीसरी लेयर और होती है जो डेटा को स्टोर किया करती है डेटाबेसिस के फॉर्म में, उसको हम क्या कहा करते हैं, तीसरी लेयर, जिसका नाम होता है डेटाबेस लेयर। तो कुल मिला के आर्किटेक्चर में तीन लेयर होती हैं, वो तीन लेयर कौन कौन सी हैं देखें, सबसे पहली प्रेजेंटेशन विच इज लेयर वन, उसके बाद होती है एप्लीकेशन लेयर विच इज लेयर टू, तीसरी होती है हमारे पास में डेटाबेस, जो कि बैकग्राउंड में डेटा को स्टोर किया करती है, ये होती है हमारी लेयर नंबर थ्री। पूरी दुनिया भर में तीन तरीके की लेयर पे काम होता है, जो दिखता है डिस्प्ले होता है, यूजर इंटरफेस है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें एप्लीकेशन लॉजिक होता है जो कैलकुलेशन करता है, टैक्सेस और डिस्काउंट्स दिया करता है, एप्लीकेशन लेयर, और तीसरा इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करने वाला डेटाबेस। अब अगर इन दोनों लेयर को क्लब करके एक सिस्टम पे और इस डेटाबेस को किसी दूसरे सर्वर पे स्टोर किया जाए, केवल ये दो भाग बटे हुए हों, तो हम उसको कहेंगे टू टीयर आर्किटेक्चर। टू टीयर का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन विल बी क्लब्ड इनटू वन एंड सेट ऑन वन सिस्टम, जिसको हम क्लाइंट कहेंगे, और दूसरा होगा इसका डेटाबेस जो इसको सुविधाएं देगा। ऐसे आर्किटेक्चर जिसमें केवल दो मिला के दो ही टीयर हो, उसको हम कहेंगे टू टीयर आर्किटेक्चर। लेकिन इसकी लिमिटेशन यह है कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने के साथ टू टीयर आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस में डिटेरियरेशन आता है। तो फिर क्या किया हमने, लेयर वन को एक अलग सिस्टम पे रखा, लेयर टू को हमने अलग सिस्टम पे रखा, लेयर थ्री को हमने अलग सिस्टम पे रखा। ये तीनों चीजें सेपरेट सिस्टम पे काम किया करती हैं। ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें तीनों लेयर अलग अलग सिस्टम पे होती हैं, उनको हम कहते हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो कुल मिला के ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में कितने आर्किटेक्चर हैं, टू टीयर और थ्री टीयर। वन टीयर भी होता था, वन टीयर का मतलब होता है मेरी डेस्कटॉप के अंदर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस सब कुछ यही है, जबकि टू टीयर होता ही क्या हो जाता है हमारे पास में, आप देख रहे हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन अलग कंप्यूटर पे हो जाएगी और डेटाबेस अलग जगह हो जाएगा। यहां पे प्रेजेंटेशन टीयर के साथ में एप्लीकेशन टीयर भी जुड़ जाएगी और डेटाबेस अलग जगह पड़ा रहेगा। तो हमारे पास क्लाइंट कई तरीके के हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इन सबको एक कॉमन डेटाबेस से सर्व किया जाएगा। ऐसा आर्किटेक्चर क्या कहलाता है हमारा,
टू टीयर आर्किटेक्चर कहलाता है। तो टू टीयर आर्किटेक्चर की खासियत क्या है, इसमें प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एक लेवल पे, डेटाबेस दूसरे लेवल पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टू टीयर आर्किटेक्चर। तो टू टीयर आर्किटेक्चर में प्रेजेंटेशन टीयर, जिसको क्लाइंट एप्लीकेशन और क्लाइंट टीयर भी कहते हैं, इसमें एप्लीकेशन वाला हिस्सा भी शामिल है, और दूसरा डेटाबेस टीयर होता है जो बैकग्राउंड में डेटा को स्टोर किया करता है। इस तरीके से तीन लेयर को दो में कन्फाइन करके हमने यूज किया, तो इसका नाम है टू टीयर आर्किटेक्चर। एडवांटेजेस क्या है टू टीयर आर्किटेक्चर की, जरा देखिए अपन। सबसे पहले सिस्टम की परफॉर्मेंस हायर हो जाती है, क्योंकि इसमें बिजनेस का एप्लीकेशन लॉजिक, जो कि प्रेजेंटेशन टीयर का हिस्सा है, और डेटाबेस दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते, इसके कारण से डेटा का आदान प्रदान तेजी से होता है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नंबर टू, सिंस प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इसका काम होता है डिस्प्ले करना, इसका काम होता है एप्लीकेशन के प्रोग्राम को प्रोसेस करना, इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना, दोनों काम सेपरेट है। तो कामों को इस तरीके से सेपरेट करने से क्या हो जाता है, हमारी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाया करती है, शेयरिंग अच्छी हो जाती है। तीसरा, ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर के मुकाबले सिंपल टू सेटअप है, सिंपल टू मेंटेन है। तो तीन एडवांटेज होगी, पहली परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी क्योंकि दोनों क्लोज है, सेकंड प्रोसेसिंग बेटर है, शेयर्ड है, सेपरेटेड है, तीसरा सिंपल आर्किटेक्चर है मेंटेन करने में। एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होंगी इसकी। पहली, परफॉर्मेंस डिटेरियरेट हो जाती है अगर नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज करते हैं, नॉर्मली कुछ 100 यूजर्स हो जाने के बाद में इसकी परफॉर्मेंस में डिटेरियरेशन आता है, डिग्रेडेशन आता है, इसलिए परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। तो पहली डिसएडवांटेज है, नंबर ऑफ यूजर बढ़ने के साथ परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आएगा। नंबर टू, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द चॉइस ऑफ डीबीएमएस, किस प्रकार का डेटाबेसेस आप यूज करेंगे उसकी भी बड़ी लिमिटेशन है। जहां तक थ्री टीयर आर्किटेक्चर की बात है, वहां पे आपको वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस यूज करने के लिए मिलते हैं, जैसे ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, पावर बिल्डर, बहुत सारे। लेकिन जहां तक टू टीयर आर्किटेक्चर की बात है, DB2, कैल्क, DBMS जैसे छोटे डेटाबेसेस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो यहां पे थोड़ी सी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आती है। तो दो डिसएडवांटेज होगी, परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आना नंबर ऑफ यूजर बढ़ने के साथ में, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस में कमी आना DBMS को लेके। आगे बढ़ते हैं अपन, थ्री टीयर आर्किटेक्चर जैसा कि हम कह चुके हैं, अगर प्रेजेंटेशन टीयर, एप्लीकेशन टीयर और डेटाबेस टीयर सेपरेट आउट कर दी जाए, तीन अलग अलग जगह अलग अलग मशीनों पर रखी जाए, जैसे इस डायग्राम में प्रेजेंटेशन टीयर अलग जगह, एप्लीकेशन टीयर अलग जगह और डेटाबेस टीयर अलग जगह रखी जाए, तो फिर हम इसका नाम क्या रखेंगे, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जरूर होती हैं, लेकिन तीनों फिजिकली एक कंप्यूटर पे नहीं होती, ये अलग मशीनों पे होती है, ये अलग जगह पे होती है, ये अलग तरीके की मशीनों पे, सर्वर्स पे पाई जाती है। ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें प्रेजेंटेशन टीयर सेपरेट मशीन्स पे सेपरेट जगह पे, एप्लीकेशन टीयर लॉजिक सेपरेट मशीन सेपरेट जगह पे, और डेटाबेस सेपरेट जगह पे पाया जाता है, क्लियर सेपरेशन होता है तीनों के बीच में, उसको अपन थ्री टीयर आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। जनरली ई कॉमर्स और एम कॉमर्स इसी आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो एडवांटेजेस क्या है थ्री टीयर आर्किटेक्चर की, सबसे पहला क्लियर सेपरेशन ऑफ ऑल द थ्री लेयर्स, प्रेजेंटेशन अलग जगह पे काम कर रही है डिस्प्ले का, एप्लीकेशन अलग जगह प्रोसेस कर रहा है, डेटाबेस अलग जगह स्टोर कर रहा है, क्लियर सेपरेशन से काम बहुत स्मूथ हो जाता है, एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा, डायनामिक लोड बैलेंसिंग, अगर कभी एप्लीकेशन टीयर का काम बढ़ जाए तो हम वो कुछ काम यहाँ डेटाबेसेस वाले सिस्टम से करवा सकते हैं, कभी डेटाबेसेस का स्टोरेज के लिए हमारे पास काम ज़्यादा हो जाए और ये फ्री हो तो इसका कुछ काम हम इनसे भी करवा सकते हैं। तो एक तरीके से हम एक दूसरे के कामों को वर्कलोड डिवीजन के तौर पे बांट लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक लोड बैलेंसिंग। तीसरा होता है चेंज मैनेजमेंट, यहाँ कभी आपको जरूरत पड़े तो आप प्रेजेंटेशन टीयर को बदल लें बिना ये पूछे या जाने एप्लीकेशन टीयर और डेटाबेस क्या काम कर रही हैं। तो तीनों चीज़ें सेपरेट है, इसलिए कभी भी किसी को बदला जा सकता है, इसके लिए दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। सो चेंज मैनेजमेंट इज वेरी इजी। तो तीन एडवांटेज हो गई, क्लियर सेपरेशन बिटवीन ऑल द थ्री लेयर्स, डायनामिक लोड बैलेंसिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। जहां तक डिसएडवांटेज की बात है, पहला डिसएडवांटेज है जैसे जैसे इसमें भी नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, सर्वर की लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी हैंडल करने में दिक्कत आएगी। देखो, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, अनलिमिटेड तो दुनिया में कुछ नहीं है, अगर वो कुछ फ्यू 100 यूजर पे परफॉर्मेंस डिग्रेड करती थी तो ये फ्यू करोड़ पे डिग्रेड करेगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये भी डिग्रेड करता है अपना ऑपरेशन। नेक्स्ट, करंट टूल्स जो अभी थ्री टीयर को बना रहे हैं वो बड़े इम्यूचोर और कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये भी अभी इवॉल्विंग फेज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स को इस दुनिया में स्थापित हुए। 90s में ये अमेरिका में शुरू हुई थी, हम कह सकते हैं इस 21वीं शताब्दी में भारत में 2007-2008 से ई कॉमर्स साइटों का चलन शुरू हुआ है। तो 2008 से 2018 को 10 साल का समय किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा समय नहीं होता, इसलिए इनके टूल्स इमेच्योर और कॉम्प्लेक्स हैं। तीसरा, इनके मेंटेनेंस टूल भी इनएडिक्वेट है जो इनको मेंटेन करने में मदद करते हैं।
CACS and CMS से related और videos देखने के लिए subscribe करें Scanner Classes के channel को और दबाएं ये bell icon और पाएं free updates सबसे पहले. Thank you for watching.